हेलो हेलो, पा, नमस्ते नमस्ते। कैसे बेटा? मम्मी, कैसी हैं? सब अच्छे हैं। और आप? मैं भी ठीक हूँ। पापा, उसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ बेटा, क्या बात करनी है? पूरे दिन दिमाग खराब रहता है पापा, मेरे बड़ी मन लग रहा। सारे दिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, सुबह हो रही है, रात हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा पापा, क्या करूँ? देखो बेटा, ये सब तो होता रहता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। चार महीने पहले निकला था घर से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी कोई ज़िंदगी होती है ये कॉलेज में आके पता चला। पर मैं किसी का अटेंशन नहीं ले पाया, ना ही कभी किसी की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट बन पाया। पता नहीं खुद में ही गुस्सा आने लगा था, दिन रात दुखी रहता था। सोचता था कि जाकर बाहर वालों से मिलूं, लेकिन बाहर वाले अपने बातों में ही बिजी रहते थे। कुछ दोस्तों ने स्टेटस लगा रखे थे कि किसी को अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें, पर मेरा फ़ोन किसी ने आज तक उठाया ही नहीं। लेकिन मुझे आज तक पता ही नहीं चला वो कौन सा ज़रूरी काम करते थे। फिर एक दिन सोचा सब कुछ ख़त्म कर दूं, तभी गेट पर नोक नोक की आवाज आई। उस दिन मैं उस इंसान से मिला जिसके वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हाँ, क्या काम है? अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? एक ही बेड है। तेरा नाम पांडे है, मैं तेरा नया रूममेट।